नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल एक्सप्रेस। दिल्ली के ओखला में बाटला हाउस को कौन नहीं जानता है। बाटला हाउस एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल मामला है वहां की गद्दा कॉलोनी में रहने वाली 75 वर्षीय महिला मेहरू निशा के। मेहरू निशा के पति का देहांत पिछले ही महीने हुआ था और बीती रात मेहरू निशा के सौतेले बेटे नासिर ने कुछ दबंग लोगों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट की और घर को कब्जा कर लिया। नासिर ने मेहरू निशा को जुबान खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। इस पूरे हादसे से बुजुर्ग महिला सदमे में है, लेकिन वो रो रो कर अपने ऊपर हो रहे इस जुल्म का इंसाफ मांग रही है। हालांकि मामले के बाद स्थानीय पुलिस वहां पहुंच गई, लेकिन लोगों का कहना है कि पुलिस सिर्फ तमाशबीन बनी हुई है। मेहरू निशा के मुताबिक उनके पति के देहांत के बाद से ही ये लोग उसको मार कर उसके मकान और दुकान पर कब्जा जमाने की फिराक में है। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हिमाचल एक्सप्रेस के साथ। जय हिंद।